नमस्कार दोस्तों, आपने व्हाइट हाउस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अमेरिका का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं और उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी रहती है, और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि व्हाइट हाउस को हम व्हाइट हाउस के नाम से क्यों जानते हैं? और कई लोगों का यह भी दावा है कि व्हाइट हाउस में पुराने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की आत्मा भी छुपी हुई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है व्हाइट हाउस के पीछे के राज, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाइट हाउस अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका का राजधानी भी है। व्हाइट हाउस को अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने बनाया था, और दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जहां पर रहते हैं वो जगह कितना सुरक्षित और कितना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन वो कभी व्हाइट हाउस के अंदर जा ही नहीं पाए, क्योंकि उनका देहांत 1799 तक हो गया था, और व्हाइट हाउस 1792 को बनना शुरू हुआ और 1800 में खत्म हुआ। 1800 में व्हाइट हाउस को व्हाइट हाउस के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको लोग प्रेसिडेंट मेंशन या फिर प्रेसिडेंट पैलेस के नाम से जानते थे। लेकिन 1814 में यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने हमला कर दिया और यहाँ पर आग लगा दी, और तब यहाँ की दीवारें पूरी तरह से जल गई। और इस दाग को छुपाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पर व्हाइट कलर का पेंट लगा दिया, और तब से लोग इसको व्हाइट हाउस के नाम से पुकारने लगे। 1901 में अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थ्रेजबल्ट रूजवेल्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट मेंशन को व्हाइट हाउस के नाम से घोषित कर दिया, और तब से हम प्रेसिडेंट मेंशन को व्हाइट हाउस के नाम से जानने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट को व्हाइट हाउस को व्हाइट कलर के पेंट करने के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। व्हाइट हाउस करीब 18 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, और इसमें 132 कमरे, 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 विंडो, और इसके अलावा 8 सीढ़ियां और 3 लिफ्ट भी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में जितने भी विंडो हैं, उन सब पर बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन नवम्बर 2011 में ऑस्कर रावानियो नामक एक व्यक्ति ने यहाँ पर स्नाइपर गन से हमला किया, वो भी 2 बार। पहली बार उसने जब गोली चलाई तो गोली जाकर व्हाइट हाउस के गार्डन पे जा गिरी, और दूसरी बार जब उसने गोली चलाई तो गोली एक विंडो पर लगी। बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से गोली आर पार जा ना सकी। जिस विंडो पर वो गोली लगी, वो विंडो उस रूम की थी जहाँ पर उस टाइम के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी सो रही थी। इस हादसे के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके अलावा और एक सिक्योरिटी सिस्टम व्हाइट हाउस में मौजूद है, और वो है इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर को आपने कई मूवी पे देखा होगा। ये सिस्टम व्हाइट हाउस में मौजूद है और 4 एकड़ की इलाकों में फैला हुआ है। इन 4 एकड़ के इलाकों में अगर कोई भी आता है और इंफ्रारेड सेंसर के नजदीक आता है या अंदर आता है, तो सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है। अगर कोई भी इंफ्रारेड सेंसर को पार भी कर लेता है तो स्नाइपर शूटर के निशानों से बच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे स्नाइपर शूटर मौजूद होते हैं। व्हाइट हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम इतना पावरफुल है कि व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों पर नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा व्हाइट हाउस पर एक और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, जिसका नाम है डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2019 में गलती से एक प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर गुजर गई, और इसके वजह से व्हाइट हाउस को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और उसके आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया। इसके दौरान एक रिपोर्टर ने देखा कि व्हाइट हाउस के ऊपर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि एक प्लेन या फिर एक हेलीकॉप्टर या फिर एक ड्रोन को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने तुरंत एक फोटो ले लिया और वो फोटो को ट्विटर में पोस्ट कर दिया, तो सबको मालूम चल गया कि यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। लोगों का यह भी कहना है कि व्हाइट हाउस पर और भी कई डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे, जो कि लोगों के नजर में अभी तक नहीं आए हैं। व्हाइट हाउस कितना भी सिक्योर हो, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसी व्हाइट हाउस में पुराने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या की गई। और उनकी हत्या के बाद लोगों का यह भी दावा है कि व्हाइट हाउस पर उनकी आत्मा अभी भी मौजूद है। अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट केमेस कुलिक्स जब व्हाइट हाउस पर आए तो उनके साथ उनकी बीवी भी मौजूद थी, उनका नाम है ग्रिस कुलिक्स। जब ग्रिस कुलिक्स व्हाइट हाउस पर टहल रही थी तो उनको लगा कि उनके पीछे कोई है। जैसे उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और डर के मारे उनके मुंह से चीख निकल गई। सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, और डर के मारे क्रिस कुलिक्स ने व्हाइट हाउस को छोड़ दिया।
लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ग्रीस कुलिस अब्राहम लिंकन से बहुत इंस्पायर थी और इसके कारण अब्राहम लिंकन उनको दिखाई देते थे। आपको तो मालूम ही होगा कि शाही मेहमानों को व्हाइट हाउस में रहने के लिए जगह दी जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ नीदरलैंड की महारानी विलमीना के साथ। वो जब व्हाइट हाउस के एक रूम में सो रही थी तो उनको लगा कि उनके दरवाजे के पीछे कोई है। वो जैसे ही दरवाजा खुली तो हक्का बक्का रह गई और डर के मारे उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला क्योंकि सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे। लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया गया। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब एक काम के सिलसिले में व्हाइट हाउस आए थे और व्हाइट हाउस के एक कमरे में ठहरे हुए थे तो उनको दिखाई दिया कि उनके रूम में सिगड़ी जली हुई है। तो उनको लगा कि ये किसी नौकर का काम होगा और उन्होंने नौकरों के ऊपर चिल्लाना शुरू ही किया था तो उनकी नजर कुर्सी पर चली गई। कुर्सी पर अब्राहम लिंकन बैठे हुए थे। वो डर के मारे वहां से भाग निकले। लेकिन दोस्तों इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता अभी भी नहीं चला है। इसे आप छलावा कह सकते हैं या फिर आंखों का बहम कह सकते हैं क्योंकि अब्राहम लिंकन को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। व्हाइट हाउस ने टूरिज्म के मामले में दुनिया के 7 अजूबे को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरियत होगी कि दुनिया के 7 अजूबे में से एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी है जो कि व्हाइट हाउस के टूरिज्म के मामले में पीछे हो गया है। व्हाइट हाउस पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। इसके अंदर जाने के लिए आपको कई महीनों पहले आपको बुकिंग करवानी होगी। लेकिन इसके अलावा पूरे व्हाइट हाउस पर आप घूम नहीं सकते, सिर्फ कुछ ही इलाकों पर आपको घूमने के लिए दिया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।